नमस्कार फ्रेंड्स, प्रियाज मैजिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको तरबूज के छिलकों की सब्जी बनाना बताऊंगी। तरबूज का ग्रीन पार्ट हटा के जो वाइट पार्ट आता है उसकी सब्जी कैसे बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा मैं इसे किस तरीके से बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम तरबूज की सब्जी बनाएंगे। रेड पार्ट की नहीं बनाएंगे, रेड पार्ट को निकाल के हम अलग कर लेंगे। ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है इसकी सब्जी बनाएंगे। देखिएगा मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में ये सब्जी बहुत बनाई जाती है। तरबूज के इस पार्ट के अंदर विटामिन सी होता है जो कि हमें स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन B5 होता है, विटामिन ए होता है और पोटेशियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर कॉपर होता है जो कि बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। इस तरह से इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं जिसको कि हम रेड पार्ट निकाल के ख़त्म कर देते हैं। आइए हम इसकी सब्जी किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसके रेड पार्ट को हम एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका रेड पार्ट निकाल दिया है। अब हम इसके जो ग्रीन पार्ट है पीछे से इसको छील लेते हैं और इसको बारीक कट कर लेते हैं। तरबूज की ग्रीन स्किन निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब हम इसके बारीक पीस कट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये मैंने बारीक कट कर लिया है। जितना सब्जी का आपको ज़रूरत है उतार लीजिए, मैंने एक बाउल कट किया है। ये ज़रूरी नहीं हमको पूरा तरबूज के छिलकों की सब्जी बनानी, जितनी हमें रिक्वायर्ड है हम उतना ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखिए इसे किस तरीके से बनाते हैं। एक पैन हमने गैस पर रख दिया है, ये गर्म हो चुका है। इसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल का इसमें को नहीं करना है। थोड़ी हींग डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार। इसमें हींग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी लगती है इसकी जो स्मेल आती है और डाइजेस्टिव भी होती है। थोड़ा जीरा डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा जीरा चटकने के बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। और जो तरबूज हमने बारीक कट किया था उसको चटनी से हिला लेंगे। इसी समय पर हम अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जितना आपको पसंद है हल्का या तेज, पर नमक कम ही अच्छा लगता है। इसको हिला लेंगे और उसको लो मीडियम आंच पे 15 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देते हैं और 15 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। तरबूज हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालते हैं। मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, कभी कभी मिर्च तीखी होती है। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी अमचूर डालेंगे, थोड़ी सी शक्कर डालेंगे क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। इसके अलावा हम इसमें पिंच भर गरम मसाला डालेंगे हल्की सी खुशबू के लिए और इसको अच्छे से हिला देंगे और उसको 2-4 मिनट के लिए वापस से इसको हम ढक के रखेंगे। सब्जी हमारी तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी तरबूज की छिलकों की सब्जी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही फायदेमंद होती है। मैंने इसे हर दिन से गार्निश किया है। आप इसे पूरी पराठे के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, सच में बहुत डिलीशियस होती है ये सब्जी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी इजी सी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक बार जरूर बना के देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।